नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। सबसे पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गोलीबारी में दो स्थानीय नागरिकों की मौत, विरोध प्रदर्शन शुरू। ग्लोबल मंदी की आशंका का बाजार पर दबाव, सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर खुले। 2 लाख सैनिकों के साथ कीव पर हमले की तैयारी, ईयू ने रूस पर लगाई नई पाबंदियां। चीन के मुद्दे पर मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस, आज फिर हंगामे के आसार। मलेशिया में भूस्खलन से 2 की मौत, 50 से अधिक लोग के फंसे होने की आशंका। आज से भारत नेपाल करेंगे संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, सेना के बीच संबंध होंगे मजबूत। आज विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति बोली बलिदान की कहानियां करती हैं हमें प्रेरित। तवांग के लोग बोले सेना की वजह से हम सुरक्षित, चीन के खिलाफ तिब्बतियों ने किया प्रदर्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ेगी देश की कृषि क्षमता, भारत सरकार ने तैयार की योजना। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो को 18 महीनों के लिए भेजा गया जेल, विद्रोह भड़काने के आरोप में चलेगा केस। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।